न्यूज स्टॉक लाइव के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे रोमांचक वीडियोस आप तक निरंतर पहुंचते रहें। बोरीवली जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो सिग्नल पोल पर खड़े होकर चलती ट्रेन में लोगों के हाथ में मोबाइल देखते ही उन्हें फटका मारकर उनकी मोबाइल चोरी कर लेता था। 24 जून को सुबह 10:45 बजे एक स्टूडेंट जिसने मराठ से ट्रेन पकड़ी, मराठ से अंदर की तरफ जा रहा था, ट्रेन जब गोरेगांव क्रॉस हुई तब सिग्नल पोल पे खड़े हुए ये आरोपी ने उसके हाथ में जो रॉड था वो उससे उसको सर पे फटका मारा और उसकी वजह से ये स्टूडेंट गिर गया नीचे। वो गिरने के बाद उसने उसका मोबाइल छीन लिया और बैग भी छीनने की कोशिश कर रहा था, तो उसने वो बैग पकड़ के रखी थी तो नहीं दे रहा था, इसके लिए उसने उसको पत्थर से मारा, 2-4 बार पत्थर से मारा उसने और वो मोबाइल लेके भाग गया। सर आरोपी कौन है? ये आरोपी है दीपक किशन भुड़कर। ये इसके ऊपर रेलवे में काफ़ी केसेस है और पता चला है कि सिटी पुलिस में भी इसके ऊपर काफ़ी केसेस है। तो क्या रिकॉर्ड? इसके पास से हम लोगों ने भी वो जो रॉड से मारा था वो रॉड रिकवर किया है और उसके घर में झड़ती लेने के बाद 10 चोरी के मोबाइल रिकवर हुए हैं। चोरी क्या फिर जानकारी सामने आई कि कब से कर रहा था ये, कुछ बताया उसने? ये काफ़ी सालों से कर रहा था ये, और लेकिन ये अभी पकड़ा गया यहाँ पे। और लोग शामिल, मतलब इसके मोबाइल खरीदने वाले बहुत बड़ा रैकेट है इसमें, तो हम लोग उसकी जड़ तक पहुँचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अभी रिकवरी करेंगे हम।